आज अकन पहुंचे सीएमआर, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये चर्चा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद। तो अजय माकन जयपुर पहुंचे हुए हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब बातचीत की थी, पीसीसी में मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस दौरान उन्होंने महारैली के बारे में भी बताया था और आज अजय माकन सीएमआर पहुंचे हैं, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात खास इसलिए क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये चर्चा हो रही है और उनके साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं और सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो रही है सीएमआर में? बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहते हैं फेज दो के काम होने हैं, जिनमें राजनीतिक नियुक्ति की बात करें, संगठन विस्तार की बात करें या फिर जो संसदीय सचिव को बनाए जाने की चर्चा है उनको लेके भी बात करें। तो ये मुद्दे हैं जिन पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच चर्चा हो रही है। हालांकि कल पीसीसी में जो मीटिंग थी वो मीटिंग का एजेंडा था कि दिल्ली की रैली का, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री आवास पे जो बैठक हो रही है उसका एजेंडा यही है कि एक तो जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है उसकी शुरुआत की जाए और कुछ जो नाम है वो आज फाइनल होने की संभावना है। इसके अलावा जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाना है उनका नाम भी फाइनल हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि उनकी सूची भी आ सकती है। साथ में अगर हम बात करें संगठन विस्तार की, कई जिला अध्यक्ष नियुक्त होने हैं, पीसीसी का जो संगठन है उसको और विस्तार करना है, कई पदाधिकारी भी नियुक्त होने का काम बाकी है, तो लगता है कि उसमें भी पूरी एक्सरसाइज होगी और आने वाले कुछ समय में इस एक्सरसाइज का परिणाम है वो नजर आएगा। तो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच जो चर्चा है वो माना जा रहा है करीब एक घंटे तक चर्चा रहेगी, उसके बाद अजय माकन यहाँ से रवाना होंगे, आज उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन आज सभी की नजर इसी मीटिंग पे है क्योंकि इस बात की संभावना है कि अजय माकन के जाने के बाद में कुछ ऐसी सूची जो है वो जारी की जा सकती है जिनमें चाहे राजनीतिक नियुक्ति की बात करें, चाहे संसदीय सचिवों के नामों की बात करें या फिर संगठन विस्तार के जो मैंने तीन बिंदु आपको बताए हैं उनमें कुछ फैसला होके उनकी सूची जारी होने की संभावना है। जी नरेश, और क्या ये सूची कब तक जारी हो सकती है क्योंकि अभी तो मंथन चल रहा है, आज हो सकता है कि इस पे फैसला भी हो क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, सीएमआर में सीएम मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद हैं। मेरा देखिए ये एक लंबी एक्सरसाइज है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई पूरी सूची आज ही जारी हो, कई जो पार्ट में काम होना है, कई चरण में काम होना है। जैसे मैंने कहा कि एक चरण था मंत्रिमंडल विस्तार वाला, एक फेज था वो पूरा हो गया, सेकंड जो फेज है उसमें राजनीतिक नियुक्तियां भी है, संगठन विस्तार भी है, संसदीय सचिव की नियुक्ति भी है, तो ये भी क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। इनमें से कुछ नाम ऐसे जिन पे ज्यादा ये कह सकते हैं विवाद की स्थिति नहीं है और उन पे कॉमन एक राय बन चुकी है। तो ये जो नाम है अभी इस पर चर्चा चल रही है, सीएमआर में बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए, आगे बढ़ते